अब प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं वाटर एटीएम, कार्ड इंसर्ट करें और पानी लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार पानी का अधिकार नियम लागू करने जा रही है, लेकिन लोगों को पानी मिलेगा कैसे, इसकी फिक्र अब हो चली है। मध्य प्रदेश में सरकार बैंकों के एटीएम की तर्ज पर वाटर एटीएम लगाने जा रही है। अगर पानी चाहिए तो बस एक कार्ड बनवाना होगा, कार्ड डालते ही आपकी अपनी जरूरत के मुताबिक पानी मिल जाएगा। शुरुआत उन इलाकों से होगी जहाँ पानी की भारी किल्लत है। वाटर एटीएम ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे एटीएम काम करता है। इसकी प्रोसेस मिल्क बूथ की तरह होगी। इसके लिए लोगों को सरकार की नल जल योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूजर को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। कार्ड इंसर्ट करते ही एक निश्चित मात्रा में पानी उस एटीएम से निकलेगा। एटीएम लगाने की जिम्मेदारी पीएचई विभाग की होगी। वो नल जल योजना के तहत ग्रामीण या पानी की किल्लत वाले इलाकों में एटीएम लगवाएगा। एटीएम लगाने के लिए एक निजी कंपनी से बातचीत चल रही है। इसके पहले चरण में पानी सप्लाई की योजना है और दूसरे चरण में पानी शुद्ध करने का प्लान है। एक एटीएम लगाने पर 75,000 से 1,00,000 रुपए तक का खर्च आएगा। फिलहाल उन इलाकों की पहचान की जा रही है जहां सबसे पहले एटीएम लगाए जाने हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।